गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन ENG DSC 203 वी हैव फिनिश्ड आवर पोइम्स. हम लोगों ने एक पोइम जो है वो द होली पंचायत, सॉरी स्टोरी द होली पंचायत हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली है. आज मैं आपको जो स्टोरी करवा रही हूँ वो है स्कूल. समरी मैं आपको बताऊँगी, रेस्ट ऑफ द थिंग यू हैव टू डू योर सेल्फ बिकॉज समरी इज सफिशियंट टू नो द कंटेंट्स ऑफ द स्टोरी. स्कूल आप लोगों ने अंबई की एक पोइम पढ़ी है येलो फिश, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ी है, तो आपको पता है कि एक ये फीमेल ओरिएंटेड ऑथर है और जो फीमेल के बारे में लिखती है, फीमेल के ऊपर फोकस करती है. येलो फिश में इन्होंने क्या बताया है, एटीट्यूड ऑफ अ मदर इज रिवील्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे. वो हैज लॉस्ट हर गर्ल चाइल्ड का लॉस है और वो फिश में उस चीज़ को देखती है और वो किस तरह की फीलिंग्स उसकी हैं उनको बताया गया है. जो आपकी ये वाली जो स्टोरी है, सी एस लक्ष्मी इज द नेम ऑफ अंबई और इनका पेन नेम जो है वो अंबई है. द स्कूल वॉज फर्स्ट published in Tamil language as Anil in October 1986 and then it was translated into English by Lakshmi Holmstrom ne isko publish kiya tha, English mein translate kiya tha aur alag alag translators ne isko alag alag tarah se represent karne ki koshish ki, lekin the soul which was given by Ambe is amazingly good. It tells us about the plight of द बुक्स विच वॉज रिटन बाई फीमेल ऑथर्स एंड दे डीलिंग विद फीमेल ओनली. मैंने आपको शुरू में एक चीज़ बताई थी कि फीमेल्स दे वर नॉट गिवन द राइट टू रीड, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको लिखने का अधिकार नहीं था. दिस स्टार्टेड इन टू द अरीना इन दिस वेन दिस एंटर्ड इन टू द अरीना ऑफ राइटिंग, जब वो राइटिंग में आई दे वर वाइडली क्रिटिसाइज बाय द पीपल बिकॉज उन्होंने अपनी अंदर की फीलिंग्स को बड़ी अच्छी तरह से रिवील किया विच अदर्स विच अर्लियर वर नॉट रिवील्ड. क्यों, मेल तो अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस कर रहा था लेकिन फीमेल का व्यू पॉइंट जो था इट वॉज टोटली हिडन. अब जो फीमेल का व्यू पॉइंट है वो एक फीमेल ही एक्सप्रेस कर सकती है कि वॉट डज शी थिंक. मेल उसको एज ए गॉडेस बता रहा है, कहीं पे उसको प्रोस्टिट्यूट के रूप में बता रहा है, कहीं पे उसको वो एक डॉटर के रूप में बता रहा है, वाइफ के रूप में बता रहा है, लेकिन फीमेल की जो फीलिंग्स हैं अपनी वो क्या हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है जो सीतायन वाला जो कंसेप्ट है वो आपने पढ़ा है, यू नो व्हाट डज अ फीमेल थिंक ऑफ हर सेल्फ. उसके बाद फीमेल ओरिएंटेड जितना आपने जो है लिटरेचर पढ़ा, यू नो इट वेल कि किस तरह से फीमेल ने अपने आप को एग्जिबिट करने की, रिवील करने की, शो करने की, अपने अंदर वाली भावनाओं को बताने की कोशिश की है. तो स्कूल एक बड़ी सिंपल सी कहानी है लेकिन जो मैसेज है दैट इज़ वेरी वेरी टचिंग. सो इट डील्स विद यू नो द इट डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ फीमेल ऑथर्स, जो फीमेल राइटर्स हैं उनके साथ डील करता है. सो दे द ऑथर हिमसेल्फ शी हरसेल्फ इज रेफरिंग टू एज अ फीमेल हुज फोकसिंग एज अ रिसर्चर, उसने अपने आप को प्रेजेंट किया है एंड शी वॉन्ट्स टू हैव एक्सेस टू द स्टोरी ऑफ एना सत्यानंदन्स डेथ. बंगाली गर्ल उसकी सेल्फ इमोलेशन से डील करता है, गर्ल सेल्फ इमोलेशन टू स्टॉप हर फादर फ्रॉम सेलिंग हिज हाउस फॉर हर मैरिज एक्सपेंसेस. तो उसमें उसने बताया है कि अपने फादर को वो रोकती है दैट हर फादर शुडंट सेल हर हिज हाउस फॉर मैरिज एक्सपेंसेस. देन टॉन्सरिंग अ डेड विडोज हेयर, जहाँ पे विडोज़ के बाल उतार दिए जाते थे ना, उनको पूरे बाल उतार दिए जाते थे. शी कुड बी क्रीमेटेड सो दैट शी कुड बी क्रीमेटेड. सर्मन टू द गर्ल्स टू बी ओबीडियंट वर्स वाइफ्स, जैसे इन जनरल हमने देखा है एट द टाइम ऑफ मैरिज गर्ल्स आर यू नो गिवन सर्टन वो क्या बोलते हैं उसको, शायद वो शिक्षाएँ जो उसको दी जाती हैं कि हाउ टू बी एन ओबीडियंट वाइफ, कि आपको किस तरह से चीज़ों को फॉलो करना है, विच आर मेंट फॉर गर्ल्स ओनली, नथिंग इज मेंट फॉर बॉयज. तो उन सारी चीज़ों के जो एक्सपीरियंसेस हैं, इमोशंस हैं, उनको फीमेल ऑथर्स ने किस तरह से प्रेजेंट किया है, तो उनसे रिलेट करने वाली जो बुक्स हैं वो लेडी जो है, जो ऑथर है, जो रिसर्चर है, उनके ऊपर वो वर्कआउट करती है. तो व्हाट डज शी डू, शी गोज टू अ लाइब्रेरी. व्हेन शी वॉक्स टू अ बरांडा देन देर इज़ अ स्टील डोर एकम्पनिंग द नरेटर. देर इज़ अ स्कूल, एक स्कूल उसको फॉलो करती है, ठीक है, और जिसके नाम पे ये स्टोरी बेस्ड है. स्टोरी को हमने स्कूल के नाम पे क्यों रखा है, क्योंकि वो नरेटर को फॉलो करती है और नरेटर किस काम में लगी है, नरेटर उस काम में लगी है जहाँ पे फीमेल्स के साथ जो है फीमेल को किस तरह से ट्रीटमेंट सोसाइटी में रहा है फीमेल का वो बताया जाता है. नाउ स्कूल
की जो आवाज़ है, इट प्रोवाइड्स ट्रांजिशन फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी। किस तरह से, जैसे द पैरट इन द केज, आपको याद होगा, तो पैरट की जो आवाज़ है वो रुक्मिणी को ड्रीम से रियलिटी में, पास्ट से प्रेजेंट में लेके आती है। उस तरह से ड्रीम से रियलिटी में ऑथर को वो लेके आती है, पास्ट और प्रेजेंट के बीच में जो कनेक्ट कर रही है वो स्कर्ल है, वो ऑथर को क्या करती है, जो राइटर है उसको पास्ट से प्रेजेंट में लेके आती है वो, ठीक है। स्कर्ल इज़ अ ब्रिज बिटवीन ड्रीम एंड रियलिटी। स्कर्ल जो है वो ब्रिज है बिटवीन ड्रीम एंड रियलिटी। सो बींग अ रिसर्चर, शी इज़ ट्राइंग टू डिस्कवर एंड शी वॉन्ट्स टू रीड द बुक्स विच आर रिटन बाय फीमेल ऑथर्स। वो एक लाइब्रेरी में जाती है एंड वेन शी सीज द कंडीशन ऑफ द बुक्स रिटन बाय फीमेल ऑथर्स, तो वो क्या देखती है, उनके ऊपर ढेर सारी डस्ट जमी है, उनको बिल्कुल पीछे के अलमीरा में डाल दिया गया है। इफ़ शी टॉक्स, शी ट्राइज टू टॉक टू द केयर टेकर ऑफ द लाइब्रेरी। लाइब्रेरियन का जो केयर टेकर है उसका एटीट्यूड क्या होता है कि ये तो यूजलेस बुक्स हैं। सो निगलेक्टेड बुक्स हैं वो, क्योंकि क्यों बुक्स हैं, क्योंकि वो पेट्रियार्कल सोसाइटी के काम की बुक्स जो है वो नहीं है। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ प्रेजुडिस ऑफ द पेट्रियार्कल सोसाइटी, की मेट्रियार्कल सोसाइटी या फीमेल का जो वर्क है, इट वॉन्ट बी कंसिडर्ड, इट वॉन्ट बी रिकॉर्डेड, इट वॉन्ट बी रिगार्डेड, इट वॉन्ट बी रिस्पेक्टेड, इट वॉन्ट बी रेड एट ऑल। तो उसको वो पीछे उन्होंने फेंक दिया है, ठीक है। सो निगलेक्ट हैज़ रिड्यूस दोज बुक्स टू यू नो जस्ट लाइक यू नो यूजलेस बुक्स, में उनको रिड्यूस कर दिया गया है। बट दे नीड अ टच ऑफ द हैंड, बट दे क्रम्बल, जैसे कि हाथ लगाते ही उन बुक्स को ऐसा लगता है कि वो एकदम से गिर जाएंगी। लाइब्रेरी स्टाफ हैज़ बिन वर्किंग एट द फिजिकल रेस्टोरेशन ऑफ दीज बुक्स बाय मेंडिंग देयर स्पाइंस विद सम ग्लू। उनकी रिपेयर करने का थोड़ा सा काम हो रहा है एंड पेस्टिंग बैक दोज पेजेस दैट हैव गॉन लूज। थोड़ा सा उनको रिपेयर करने का अब काम हो रहा है, क्योंकि अब जो है वो रिसर्चर काम कर रही है उसके ऊपर। द लाइब्रेरियन हेल्प्स द नरेटर टू रीच द बुक्स ऑन द हाई शेल्फ, से वो बुक्स को निकालने में हेल्प करती है। एट द सेम टाइम ही ऑल्सो ट्राइज टू डिस्करेज हर बाय सेइंग दैट इट इज़ ऑल डस्टी। तो जो लाइब्रेरियन है वो डिस्करेज कर रहा है ऑथर को, फीमेल ऑथर को, नरेटर को, कि देर इट इज़ यूजलेस टू गो थ्रू दिस बुक्स, ये बिल्कुल बेकार ये बुक्स, इनको मत निकालो, पाइल्ड अप विद डस्ट हैं ये, ठीक है। एंड ही डजेंट वैल्यू द ट्रेजर, और उस खजाने को वो एज ए कस्टडियन उसको ट्रेजर को वैल्यू ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको क्या लगता है इट इज़ ऑल यूजलेस, सारी बेकार की बुक्स हैं ये। एंड ही बिगन्स टू थ्रो डाउन बुक्स एंड जर्नल्स। एक तरीका होता है ना कि आप जैसे आप लाइब्रेरी की शेल्फ से बुक निकालते हो तो बड़े रिस्पेक्टफुल वे में उस बुक को निकाला जाता है, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, ही इज़ थ्रोइंग डाउन द जर्नल्स एंड बुक्स, बिकॉज वो क्या है, उसके लिए वो यूजलेस हैं, ठीक है। एंड ऑन द फ्रॉम द टॉप शेल्स एंड दे इंक्लूड ओल्ड मैगजीन्स भी हैं उसमें, जो है जगन मोहिनी है और कुछ और ओल्ड मैगजीन्स हैं। द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी कब आता है, व्हेन द लाइब्रेरियन रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम द टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या ऑर्डर होता है कि बर्न ऑल दिस बुक्स विच आर रिटन बाय फीमेल ऑथर्स, क्योंकि ये तो बेकार की हैं, इनका तो किसी का कोई काम ही नहीं है, दे आर टोटली यूजलेस, लाइब्रेरी में इन्होंने जगह को घेर के रखा है, बिकॉज दे इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन दैम। अब उनकी रिजेस ठीक हो रही हैं, उनके पेजेस रिपेयर हो रहे हैं, तो लोगों को लगाना पड़ रहा है, उनको पे करना पड़ रहा है। पेट्रियार्कल सोसाइटी की बुक्स के लिए वो एटीट्यूड नहीं है जो मेट्रियार्कल बुक्स के लिए है, बिकॉज दे वर रिटन बाय फीमेल। सो इट शोज द एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टूवर्ड्स फीमेल ऑथर्स और टूवर्ड्स फीमेल इन जनरल। मैं आप लोगों को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, मैंने आप लोग लिटरेचर के स्टूडेंट्स हो, आपको मैंने शुरू से एक चीज़ बताई है कि आप लोगों ने जो मार्गरेट एटवुड की पोइम पढ़ी है ना, उसमें भी क्या बताया है कि एवरीथिंग हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कवर्ड बाय मेल्स, जहाँ भी फीमेल जाती है कि ऑलरेडी डिस्कवर्ड है। उसी तरह बुक राइटिंग के अरीना में जब फीमेल आ रही है, शी इज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट सम ऑफ द कंटेंट्स रिलेटेड टू हर रिसर्च, बिकॉज द रिसर्च इज़ ऑफ हर फील्ड, उसके फील्ड का है। तो वेयर सो एवर शी इज़ टेकन, वॉट्स एवर शी इज़ गिवन, इट इज़ गिवन with an attitude ki it is useless, lekin suddenly when she is there she is told that the books which she wants to have, ki ek to ye bekar ke maintenance hai, paise bahut kharch ho rahe hain, to ye useless books and they won't be of any use, so they are very expensive, so it is useless to preserve them. From this viewpoint administration ne kya kiya hai, that these books are of no value and there are no readers for them. देखो वो सामने खड़ी है, she is valuing those books, उसको उन books की ज़रूरत है, वो उनको ढूंढना चाहती है, उसको अच्छा लग रहा है, they are being repaired. लेकिन वो बार बार past में कब जा रही है, वो past में सोच रही है कि जो females थी उन्होंने कितना झेला है, और उन books में जो condition of women in our society थी वो depict किया गया है, that how did she suffer, वो जो female है उसको कितना सफर रही है वो। अगर आपने जो
पुरानी जो है चीज़ों को सुना होगा कि पुराने टाइम में क्या था, बैरियर्स वर देयर फॉर फीमेल्स, दे वर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल, दे वर नॉट अलाउड टू लर्न एनी आर्ट, दे वर नॉट अलाउड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एल्डर्स, दे वर नॉट अलाउड टू लाफ लाउडली, दे वर नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस देम सेल्स फ्रीली, वॉट्स एवर वॉज सेट. पेट्रियार्कल सोसाइटी चलती थी, चाहे वो फादर थे, चाहे सन था, चाहे वो हस्बैंड की सोसाइटी रहती थी, हस्बैंड की फैमिली रहती थी. एंड द वे शी वॉज ट्रेंड वेन शी वॉज मैरिड एट अ वेरी टेंडर एज ऑफ 10, 12 के बीच में शादी कर देते थे, तो देवी शी वॉज ट्रेन लाइक कि अब आप जा रहे हो, अब आप वापस नहीं आओगे, है ना. यू विल कम टू आर होम वेन एवर वील कॉल यू, अगर हम नहीं बुलाएंगे वील इन्वाइट यू, इफ यू वॉन्ट इन्वाइट यू वॉन्ट बी बैक. सो दिस वॉज द सोसाइटी. एंड यू विल बी फुली डिपेंडेंट ऑन योर हस्बैंड, इफ यू नीड समथिंग यू विल टॉक टू योर हस्बैंड वुड सी वट एवर यू नीड. इस तरह के समाज था. इवन आपने देखा होगा बाल विवाह का जो कस्टम है, इट वॉज रियली ट्रबलसम. फिर सती कस्टम विच वॉज वेरी हॉरिबल कस्टम, आप लोगों ने सुना होगा, मैंने भी पढ़ा है इसके बारे में. फीमेल्स वॉट देवर बर्नड अलाइव विद देयर हस्बैंड्स, उनको डेड बॉडी के साथ ही उनको उठा के क्या करते थे, उनको इंटॉक्सिकेट करते थे और खूब सारा वो शोर शराबा करते थे, बैंड वगैरह बजाते, उनको कन्फ्यूज करते थे, इंटॉक्सिकेट करते थे. एंड देवर थ्रोन इन टू द पायर, जलती हुई आग में उनको फेंक दिया जाता था. बाद में उनको सती का जो है एक डेजिग्नेशन दिया जाता था, बट एक्चुअली इट वॉज नॉट सो. सती का जो कंसेप्ट, इट वॉज मेंट फॉर यू नो अ फीमेल शुड गो टू द क्रीमेशन ग्राउंड अलॉन्ग विद द बॉडी ऑफ हर हस्बैंड, एंड व्हेन बॉडी इज बीइंग बर्न शी शुड कम टू द वर्ल्ड ऑफ द अलाइव, क्योंकि उसके अपने लिए भी तो ड्यूटीज हैं, एज ए ह्यूमन बींग भी तो ड्यूटीज है ना, क्योंकि पहले फीमेल होने से पहले वो एक इंसान है, उसके अपने लिए ड्यूटी है, सोसाइटी के लिए ड्यूटीज है, कंट्री के लिए ड्यूटीज है, एवरीवेयर हमारी ड्यूटीज हैं. तो हम लोगों ने यह किया, उन स्क्रिप्चर्स के साथ को जो है वो और वे से प्रेजेंट कर दिया. आपको पता है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी ने किस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट किया है और आगे लेके गए हैं. सो जो ये पूरे का पूरा जो कंसेप्ट है इसी पे बेस्ड है कि फीमेल की जो रिटन बुक्स हैं, हाउ फीमेल्स वर टॉर्चर्ड, जब इन चीज़ों को फीमेल ने अपने वर्ड्स में लिखा तो वो चीज़ें, इट वॉज़ नॉट ईजी फॉर पेट्रियार्कल सोसाइटी टू डाइजेस्ट, उनको डाइजेस्ट करनी ईजी नहीं थी. तो पहले तो वो बुक्स पब्लिश नहीं होने देते थे, जैसे सितायन वाला कंसेप्ट है, क्या कहा गया, इनकम्प्लीट बुक है, कंसेप्ट गलत है, पब्लिश नहीं होगी. पब्लिश होगी तो देवर नॉट ओपनली गिवन टू द पीपल, लोगों में वो विचार जो है वो स्प्रेड ही नहीं किया जाता था, और जो स्प्रेड करने की कोशिश करते थे उनको गलत कहा जाता था. सो उन बुक्स को क्या करा गया, उनको लाइब्रेरीज में ऊपर ऊपर जो है डस्टी एरिया में रख दिया गया. अब व्हेन दिस वेरी नरेटर शी नीड्स दोज बुक्स फॉर रिसर्च, तो पहले तो वो जाती है, गिलहरी उसके साथ जाती है, तो जब वो पास्ट के बारे में सोचती है, सडनली गिलहरी जो क्विक क्विक की आवाज़ करके उसको प्रेजेंट में लाती है. शी इज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट सम बुक्स, उसने देखा कुछ बुक्स के कवर्स लग रहे हैं, कुछ बुक्स रिपेयर हो रही हैं, लेकिन सडनली शी कम्स टू नो अबाउट एन ऑर्डर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन कि दे आर यूजलेस एंड देर इज़ नो स्पेस फॉर देम, इनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही है. सो दिस वेरी स्टोरी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ फीमेल, के व्यू पॉइंट से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और इसमें जो है वो क्लियर कट वे में क्या बताया गया है कि किस तरह से फीमेल के लिखे हुए लिटरेचर को निगलेक्ट करा जाता है, और कुछ एक जो बुक्स हैं विच आर गुड इनफ दे आर नॉट गिवन टू द पीपल फॉर रीडिंग, इतने ऊपर रख दी गई हैं कि वहाँ तक हाथ नहीं पहुँचता है. जब कोई ढूंढने आता है, एक फीमेल उनको ढूंढने आ रही है, तो उसको डिमोरलाइज किया जा रहा है, और एट लास्ट ये बताया जाता है कि सारी की सारी बुक्स जो हैं दे आर यूजलेस, दे आर ऑफ नो यूज़ फॉर एनी वन. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर स्टोरी. वट यू हैव टू समरी आपने प्रिपेयर करनी है, और आपने उसके साथ क्या प्रिपेयर करना है, सुटेबिलिटी ऑफ द टाइटल. टाइटल अगर आपका प्रिपेयर हो जाता है तो सेंट्रल थीम का आपका साथ में प्रिपेयर हो जाएगा. सो यू हैव टू गो थ्रू दिस वेरी स्टोरी अकॉर्डिंगली. गुड डे.